दोस्तों टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ASP.NET विद सी शार्प जो फुल कोर्स हिंदी ट्यूटोरियल है, आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। दोस्तों हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे उसमें हमने जो इंट्रोडक्शन टू ASP.NET, उसके बाद जो इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो एंड SQL सर्वर, उसके बाद जो वेरिएबल्स एंड जो डेटा टाइप्स है, और तीनों ट्यूटोरियल्स हमने बना लिए। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में पूरी डिटेल में। दोस्तों ऑपरेटर्स की बात करें, उसके टाइप्स की, उसकी डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो आप ऑपरेटर इज अ सिंबल। आप सिंपल वर्ड में देखें तो सिंबल को हम ऑपरेटर्स बोल सकते हैं, और हम जो प्रोग्रामली के लिए देखें तो परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और जो लॉजिकल मैनिपुलेशन है उसको हम जो ऑपरेटर्स है वो बोल सकते हैं। ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो तीन टाइप्स के ऑपरेटर्स आते हैं। उसमें एक है जो यूनरी ऑपरेटर, उसके बाद जो बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स आते हैं। दोस्तों जो सी शार्प लैंग्वेज है उसमें ज़्यादातर हम जो बूलियन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, उसमें जो फाइव टाइप्स के ऑपरेटर है उसका हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। उसमें आता है जो फर्स्ट नंबर पर आता है जो एरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद जो रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। ये फाइव टाइप्स है, ये जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं, ये लिस्ट देख रहे हैं, ये ज़्यादातर है प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। जो हम ASP.NET सी शार्प या विजुअल बेसिक का यूज़ कर रहे हैं, तो एफ शार्प का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो बूलियन ऑपरेटर्स है उसका यूज़ ज़्यादा होगा। दोस्तों बात करें एरिथमेटिक ऑपरेटर, दोस्तों उसकी सिंबल की बात करें तो आप यहाँ पे उसके सिंबल देख सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूला प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये जो है जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसके सिंबल है। दोस्तों ये जो आप टेबल से एक देख रहे हैं, जो लिस्ट देख रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो है ऑपरेटर्स की, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है जो ऑपरेटर्स से सिंबल है उसका, और उसके बाद एग्जांपल दिया गया है। दोस्तों आपको समझ में आ सके, इसलिए जो ए की वैल्यू 10 और जो बी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 20 दी गई है। यहाँ पर जो प्लस का आइकॉन है यानी कि एडिशन, प्लस यानी कि एडिशन, ए प्लस बी, हम जब भी प्रोग्रामिंग के लिए ए प्लस बी करेंगे, तो अगर हमने ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 ली है तो हमारा आंसर आएगा 13। वैसे ही जो सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो डिवीजन और जो मॉड्यूला आता है ओ, और प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट, और जो माइनस माइनस है डिक्रीमेंट, ये जो आप सारे देख रहे हैं वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर। दोस्तों आप प्रोग्रामिंग में आप जब भी लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, लूपिंग कंडीशन का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स है, ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, उसका यूज़ ज़्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों बात करें रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर्स में जो इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल टू, उसके बाद जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स है। दोस्तों वो जब ए इक्वल इक्वल इज नॉट ट्रू के लिए, यहाँ पे आप जो एग्जांपल देख रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू में, आप यहाँ पे इस ऑपरेटर का यूज़ देख पा रहे हैं। उसमें दोस्तों हम जब भी कोई कंडीशन लिख रहे हैं, डबल इक्वल टू लिख रहे हैं यानी कि ट्रू वैल्यू को ट्रू है, अगर हम किसी भी कंडीशन को ट्रू करना चाहते हैं और उसके जो स्टेटमेंट है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नॉट इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन, उसकी तो हमने बात की है। तो वैसे ही जो अगला यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर में जो एंड ऑपरेटर्स आता है, उसके बाद और ऑपरेटर्स आता है, एंड जो नॉट ऑपरेट है यानी कि नॉट इक्वल टू है, वो जो ऑपरेटर्स है वो आता है। उसमें ही दोस्तों फॉल्स एंड ट्रू ही वैल्यू होगी, हम जब भी फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब हम जो एंड ऑपरेटर है उसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देख लो, हम कोई भी दो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है और हम उसको लॉगिन कराना चाहते हैं या तो रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं, तो हमें एंड ऑपरेटर है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है और ऑपरेटर और नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट दोस्तों बात करें जो बिटवाइज ऑपरेटर, दोस्तों बिटवाइज ऑपरेटर को आप समझे तो बिट बाय बिट ऑपरेंट, उसको आप बिटवाइज ऑपरेटर कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों ये जो बिट्स वाइज बिट्स है वो ऑपरेंट है आते हैं। उसमें दोस्तों आप देखें तो एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स, एक्स और ऑपरेटर, उसके बाद जो आता है वंस कम्प्लीमेंट, उसके बाद जो शिफ्ट ऑपरेंट यानी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट ऑपरेंट, राइट साइड शिफ्ट ऑपरेंट आता है। दोस्तों ये जो बाइनरी कोड है 0101 के थ्रू जो आता है उसके तरह ही ये वर्क्स करता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम समझे तो सिंपल असाइनमेंट
ऑपरेटर यानी कि इक्वल टू, उसके जो राइट साइड और लेफ्ट साइड जो वैल्यूज होती है, मान लो अगर आप सी इक्वल टू ए प्लस बी, असाइन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इंटू सी, तो उसको आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद आता है जो एड एंड ऑपरेटर्स यानी कि प्लस एडिशन इक्वल टू, उसके बाद आता है जो माइनस इक्वल टू यानी कि सब्सट्रैक्शन एंड, और जो मल्टीप्लाई एंड। नेक्स्ट उसका आगे बात करें तो उसमें आता है डिवाइडेड एंड, मॉड्यूलस एंड, एंड जो लेफ्ट शिफ्ट एंड आते हैं, उसके बाद जो राइट शिफ्ट एंड, बिटवाइज एंड, एंड जो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, एंड जो असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद आता है जो बिटवाइज इंक्लूड और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। दोस्तों आप अभी ऑपरेटर है उसको समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिकली हम आगे हम एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हर एक ऑपरेटर है उसका ऐसी तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि थियोरेटिकली ऐसे में समझाओगा तो आप बहुत ही अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन उसके बारे में तो पहले से ही आप जानते होंगे, लेकिन ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो भी प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक जो फंक्शन है उसका कोडिंग दिया है, जो डिलीट वाली कोड है उसका दिया है। तो ज़्यादातर दोस्तों ये जो ऑपरेटर्स का यूज़ हो वो कंडीशन में होता है, मान लो हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो उसमें ऑपरेटर का यूज़ ज़्यादातर करते हैं। यहाँ पे मैंने जो डबल इक्वल टू है उसका यूज़ किया ट्रू वैल्यू के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ टी एक्स टी कस्टमर आई डी डॉट टेक्स्ट इक्वल इक्वल एंड स्पेस, यानी कि जब भी ये जो ए नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है, कस्टमर आई डी नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है, वहाँ पे वैल्यू एंटर होगी, एंटर होगी यानी कि ट्रू वैल्यू हम करा रहे हैं, तभी उसकी एल्स में जो कोड है, जो कोड है, कमांड है, वो रन हो पाएगा। तो दोस्तों हम जो नेक्स्ट वीडियो है, आगे के वीडियो, उसमें हम प्रैक्टिकली इसे ऑपरेटर से उसको समझेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।